नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष शुक्ला और आप देख रहे हैं क्रिकेट किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 चल रहा है और इसी बीच भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। शिखर धवन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, अब वो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से अगले 3 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। पूरी खबर को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शिखर धवन को वर्ल्ड कप से 3 हफ्ते के लिए रूल आउट कर दिया गया है। इसके पीछे कारण है उनके हाथ के अंगूठे में आया हुआ फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर उन्हें तब लगा था जब नेथन कुल्टर नाइन ने उनको एक शॉर्ट डिलीवरी डाली उस मैच के दौरान, जिस मैच में शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। दोस्तों, तो उस बॉल ने जब उनके हाथ में हिट किया तो उनको हाथ में गहरी चोट आई। अंगूठे में चोट के बावजूद उन्होंने पूरी इनिंग को कंप्लीट किया, शतकीय पारी खेली। लेकिन दोस्तों, फील्डिंग करने के दौरान टीम इंडिया से रविंद्र जडेजा फील्डिंग करने उतरे और शिखर धवन ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे। आज जब उसका स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया, तब ये सामने आया कि उनके हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर है। दोस्तों, इस कारण से BCCI ने उन्हें 3 हफ्तों के लिए रूल आउट किया है। BCCI के सूत्रों द्वारा हमें ये भी पता चल रहा है कि शिखर धवन का रिप्लेसमेंट होंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि शिखर धवन को इस बार रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, शिखर धवन की जगह ओपन करने उतरेंगे अब KL राहुल, और KL राहुल की 4th नंबर की जो पोजिशन है उस पर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत खेलेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दीजिए एक लाइक, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।